सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो खास मेहमान यहाँ आज इस मसले पर डिबेट करेंगे, उनसे आपका मैं तारुफ करवा रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका भी। आरएलडी से रोहित अग्रवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सैयद जवाद भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और आरजेडी से कंचना यादव हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इनफैक्ट वो मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत सबसे पहले सैयद जवाद आपसे कर रही हूँ। गंगा जमनी तहजीब आपके मुंह से जितनी बार निकला है उतनी बार सांसें भी नहीं निकली हूँ। ये क्या मामला है, ये क्या मसला है कि मुझे तेरा डीजे नहीं पसंद गोली चला दूंगा, मुझे शोभा यात्रा नहीं पसंद पत्थर फेंक दूंगा, मुझे तुम्हारा नाच गाना नहीं पसंद मैं तुम्हें भून दूंगा, ये कब तक चलता रहेगा? ये कौन सी गंगा जमनी तहजीब है, मुझे ये बताइए। ये तब तक चलता रहेगा रूबिका जी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी। वो है ना कि प्रदेशों में बहुत तनाव है क्या, पता करो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है क्या। और भारतीय जनता पार्टी का भी देखिए, अभी इनकी मीटिंग हुई है और उससे पहले पहले जो है उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव से पहले इस तरीके की घटनाएं। और मैं पहले भी कई बार न्यूज चैनल्स पे कह चुका हूं कि जिस तरीके से भाषणबाजी हो रही है, जिस तरीके से नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। सही जवाब मुझे ये बताइए कि अच्छा यहाँ तो उपचुनाव है, बंगाल में कौन सा चुनाव है ये बताइए, झारखंड में कौन सा चुनाव है ये बताइए, बिहार में कौन सा चुनाव है ये बताइए, तेलंगाना में कौन सा चुनाव है ये बताइए, कहां कहां चुनाव है, हर जगह पत्थरबाजी चल रही है, वहां चुनाव है कि वहां ये कट्टर मानसिकता सबसे बड़ा जवाब है। नहीं, कट्टरता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं। मैं तो गोली किसने मारी, लड़ने की उम्र कौन से गोली किसने मारी, वो सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का वो राष्ट्रीय प्रवक्ता था जिसने गोली मारी, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था जिसने गोली मारी, वो सदा वत्सल्य रोज जाकर आरएसएस की शाखा में बैठता था, किसने गोली मारी ये बताइए। ये तो अब जो है, अगर कानून और पुलिस प्रशासन मजबूत होता और अगर प्रशासनिक चूक ना हुई होती तो ये घटना भी ना होती। पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की और जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। बहुत आसान है इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करार दे देना, बहुत आसान है प्रशासनिक चूक करार दे देना। जड़ में जाइए ना, ये कट्टरवादी मानसिकता, ये सोच कब तक रहेगी कि हमें जो चीज ना पसंद है उस पर वाजिबुल कत्ल है, वाजिब कत्ल कर देंगे हम। मैं बता दो रहा, जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार रहेगी तब तक ये सारी चीजें रहेंगी। अब ये कहिए कि मसला राजनीतिक आप कर देना चाहते हैं, मसला आप इसको बिल्कुल एक अलग रंग दे देना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जब तक आप लोग रहेंगे तब तक पत्थरबाजी होगी, तब तक शोभा यात्राओं पर हमले होंगे, तब तक इसी तरीके से ये बवाल और ये दंगा और ये फसाद होगा। सरकारें निकम्मी हैं, मैं क्या बोलूं। देखिए अब इनको शांत काम ही नहीं करती है। देखिए ये जिस तरह से आपके चैनल पर एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गोलियां चलाने और पत्थर चलाने की बात की, ये इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहली बात, ये सैयद जवाद कौन है मैं नहीं जानता इनको, लेकिन ये लोगों को ललकार रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्थर चलेगा, गोलियां चलेंगी, हिंदुओं का नरसंहार होगा। तो इस व्यक्ति के खिलाफ मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से आग्रह करता हूँ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की पुलिस से आग्रह करता हूँ कि उत्पात फैलाने का इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो कोई इस तरह की बात करे, इस तरह के अपराध को प्रश्रय देना, इस तरह के अपराध के लिए लोगों को ललकारना, इस तरह की असंवैधानिक कृत्य करना, इस तरह के गैर कानूनी बातें करना, ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों को मैं रूबिका जी आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों को बहस में बुलाना भी जो है ये इस देश में अपराध को बढ़ाना है। क्यों चीख पीछे बोल रहे हैं, मैं इनके पीछे बोल रहा था रूबिका जी, इस बदतमीज आदमी को बोलिए शांत हो जाए। सैयद जवाब आप जब बोल रहे थे बीच में, कोई इन्होंने जो कुछ बातें की वो आपराधिक है कि नहीं है? अरे भाई आपको पूरा मौका मैं दूंगी ना काउंटर, इन्होंने जो बातें की वो आपराधिक है, ठीक है, मैं पूरा मौका, इन्होंने जो बातें की रूबिका जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी तब तक पत्थर चलेगा, ये आपराधिक बयान है कि नहीं है?
जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक गोलियां चलेंगी, ये इनका कहना है। आपकी आपकी कानून व्यवस्था लचर है, आपकी प्रशासनिक चूक है जिसकी वजह से ये पत्थरबाजी हो रही है, वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कैसे? नहीं 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 नहीं, ये इन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। ये इन्होंने कहा जब तक भाजपा की सरकार है रुकिए एक सेकंड तब तक पत्थर मारेंगे, इन्होंने ये शब्द नहीं कहे जो आप कह रही हैं, ये इनके शब्द नहीं थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक पत्थर चलेंगे, तब तक गोलियां मारी जाएंगी, तब तक शोभा यात्राएं नहीं निकालने दी जाएंगी। ये धमका रहे हैं बहुसंख्यक समाज के लोगों को, एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाला व्यक्ति अल्पसंख्यकों को ललकार रहा है कि हिंदुओं तुमको जो है इस देश में शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश में नहीं निकालने दी जाएगी। प्रेम शुक्ला जी आप ये कह रहे हैं ये ललकार रहे हैं, लेकिन लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सुन रही हूँ भाव, उनका भाव वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे थे, उनका भाव सीधा ये था कि आप लोग कैसे भाव पकड़ेगा आम आदमी। ठीक है 20 सेकंड में जवाब दीजिए, सही है जवाब, उसके बाद में रहा है कौन होने दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ उत्तर 10 सेकंड से बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का चूक, शासन प्रशासन का चूक, इंटेलिजेंस का आपके पास रिपोर्ट नहीं आई, कितना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है। कब तक उत्तर प्रदेश के अंदर ही घटनाएं होती रही, सरकार से सवाल करो तो वो मतलब पर्सनल लॉ। सही है जवाब, कुछ इशू है मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ मनोज काका भी जुड़े हुए हैं। मैं रूबिका जी, एक सेकंड रूबिका जी मुझे उत्तर देने का अवसर दे। रूबिका जी मुझे बात करने का अवसर दे। रूबिका जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो कैसे पता कि किसके किस मस्जिद में गोलियां रखी गई हैं, किस मस्जिद में पत्थर रखे गए हैं, किस मस्जिद के सामने से गुजरना अपराध है, किस मस्जिद के सामने से हिंदुओं को निकलने पर पाबंदी लगा दी जाए, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो कैसे रिपोर्ट देगी? ये कैसे हो सकता है? और पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में? आपने जो प्रश्न पूछा उनसे कि बंगाल में क्यों हुआ, तेलंगाना में क्यों हुआ, झारखंड में क्यों हुआ, भाई समझिए तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, बंगाल में तो जो है वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में तो जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की संयुक्त सरकार है, उन राज्यों में क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल को लेकर किसी प्रकार की मन में जो है गुरेज हो सकता है, सही है जवाब के मन में।